अरे ये कौन कौन सा गांव है? ज्यादा 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 प्रॉब्लम है यार। चलो थोड़ी सी कितने गांव है? सात नहीं गांव है, सात गांव है, सात गांव है, सात गांव है। उसमें उसमें धान के अलावा कुछ नहीं होता? नहीं सर, धान नहीं होता है। ये सारा दिन पर देंगे सर, जैसे मार पड़ेगा पर देगा तो क्या बचेगा? अपने गांव का बच्चे को कुछ तो लगने नहीं है, पक्का भी नहीं बचेगा। नहीं और कुछ नहीं, लगने का पता नहीं है, समझ गए यार। मक्का नहीं लगेगा, वहाँ धान लगेगा। धान लगेगा, वहाँ जो धान है हमारे तक मजदूर नहीं है तो धान कैसे लगाएगा? मजदूर जो लगाता था जा जाके पानी कम लगे। अगर ये जो का एरिया है इसमें अगर ये छिटने का करवा दें कम से कम है 6-7 क्विंटल की यील्ड कम है। हमारा तो एक ही मतलब है कि किसान के खेत के नीचे पानी बचा रहे। अगर पानी सारा ठीक है ना, आप लोग सारा पानी पी रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको उससे भी आपको खराब कोई पैदा नहीं होगा। चावल ना बोने से मक्का बोने से सरकार का पैदा नहीं होगा, बल्कि सही माने में सरकार का तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। हमें तो 7,000 रुपये पिता देने की बात की, हमको वो बचेगा खरीद ले जाएगी सरकार, हमारा दुख नहीं। मक्का कितने रुपये में पड़ेगा? 7,000 रुपये पहले देना पड़ेगा। पानी का मतलब है हमें अंबाला से नारायणगढ़ से कोई लेना देना नहीं है ना, क्या शाहबाद हो नारायणगढ़ हमारे लिए की बात है। उसमें धान के अलावा कुछ नहीं होता? पक्का नहीं लगेगा, वहाँ धान लगेगा। वहाँ जो धान है हमारे तक मजदूर नहीं है तो धान कैसे लगाएंगे? मजदूर जो लगाता था जा जाके पानी कम लगे। अगर ये जो का एरिया है इसमें अगर ये छिटने का करवा दें तो चल जाएगा काम? कढ़ाई वाले जो मजदूर है वो बच जाएंगे और पानी थोड़ा कम लगेगा। एक सर उसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें यील्ड है वो यील्ड कम है, DSR में कम से कम है 6-7 क्विंटल की यील्ड कम है। पानी पोखरा करते जाओगे क्या अगली पीढ़ी वाले कभी अगली पीढ़ी वाले हमारे लिए हमारा तो एक ही मतलब है कि किसान के खेत के नीचे पानी बचा रहे। अगर पानी सारा ठीक है ना,
सारा पानी पी रहे हैं, आने वाली दुनिया आपको उससे भी आपको हमारा कोई फायदा नहीं होगा। चावल ना बोने से, मक्का बोने से सरकार का फायदा नहीं होगा, बल्कि सही माने में तो सरकार का तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। हमें 300 रुपये तो 7,000 रुपये जुटा देने की बात कही है, अपने वो बचेगा खरीद ले जाएगी, जितना सरकार भारत में नहीं मक्का खरीदना पे हमें पड़ेगा 7,000 रुपये पहले से देना पड़ेगा। मतलब है।